हरियाणा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या मामले में थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट फैसला सुनाएगा। डेरा प्रमुख राम रहीम हत्या का मुख्य आरोपी है। रोहतक की सुनारिया जेल में राम रहीम साध्वियों से बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है। अक्टूबर 2002 में सिरसा में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार रामचंद्र ने ही बलात्कार की पीड़ित साध्वियों की मदद की थी। रामचंद्र छत्रपति सिरसा में शाम को निकलने वाले अखबार को चलाते थे। अपने अखबार में राम रहीम के खिलाफ खबरों को प्रमुखता से छापते थे और राम रहीम के खिलाफ बलात्कार पीड़ित साध्वियों के पत्र को भी रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में छापा था। हालांकि साध्वियों से बलात्कार के मामले में राम रहीम इस वक्त सजा काट रहा है और आज इस पूरे मसले पर फैसला होगा थोड़ी देर में। पत्रकार की हत्या पर जो आरोप राम रहीम पर लगाए गए हैं, अब अदालत इस पर फैसला देगी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हरियाणा के सिरसा में हत्या कर दी गई थी। 24 अक्टूबर 2002 को सिरसा में गोली मारकर उनकी हत्या हुई। पत्रकार हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम मुख्य आरोपी है। पत्रकार रामचंद्र हरियाणा में अपना अखबार निकालते थे। रामचंद्र छत्रपति डेरा से जुड़ी खबरों को प्रकाशित करते थे। जनवरी 2003 में परिवार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी थी। हाईकोर्ट ने नवंबर 2003 में सीबीआई जांच का आदेश दिया। साल 2007 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में राम रहीम पर हत्या की साजिश का आरोप लगा। आपको बताते हैं कौन थे रामचंद्र छत्रपति। रामचंद्र छत्रपति हरियाणा के सिरसा के रहने वाले थे। सिरसा से शाम को एक अखबार निकलता है और उसी को वो छापते थे। छत्रपति ने राम रहीम के खिलाफ उस अखबार में कई खबरें छापी पूरी डिटेल के साथ। उसमें रिपोर्टिंग कर हर एक पहलू पर उस पर नजर डाली। साध्वियों के शारीरिक शोषण का खुलासा भी उसी के जरिए किया था उन्होंने। छत्रपति के परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। दोनों बेटों के सामने घर के बाहर गोली मार दी गई थी। 24 अक्टूबर 2002 को घर से बाहर बुलाकर उन्हें गोली मारी गई थी। 21 नवंबर 2002 में दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली थी।